हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। आए दिन हमारे आसपास कुछ मजेदार घटित होता ही रहता है भाई। हम तो फिर भी देश दुनिया में घटित हो रही चीजों को इकट्ठा कर आपके सामने लेकर आते हैं। तो खैर, फाइनेंस लिस्ट लेकर आया है फनी मोमेंट्स पार्ट 17 आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूवर्स, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, भारत में सड़क पर गड्ढे होने की समस्या लगभग हर शहर में कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। साथ ही हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जब एक आदमी जी न्यूज के रिपोर्टर को सड़क पर बढ़ते हुए गड्ढों के चलते आम जनता का दुख बता रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि इसके चलते काफी सारे ई रिक्शा भी पलटते हैं। और दोस्तों, तभी उनके ठीक पीछे इसका लाइव एग्जांपल भी देखने को मिल गया। दिन नित प्रतिदिन 20 ई रिक्शा पलट रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर टूट रहा, गंभीर रूप से कई लोग यहाँ से रिफर हो रहे हैं। संज्ञान नहीं है, तमाम एडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. खैर, इसके चलते शायद दोस्तों प्रशासन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ कदम उठाए और हो सकता है कि वो समझ जाए। दोस्तों, आजकल अपनी बिजी लाइफ में किसी बंदे के पास काफी सारा फ्री टाइम तो नहीं होता, मगर इस पापा की परी को देखकर तो हमें लग रहा है कि इस बंदे के पास बहुत टाइम ही टाइम है भैया। क्योंकि साथियों, जब ये लड़की यहाँ से अपना स्कूटर निकाल रही थी तो उसने अपने स्कूटर को आगे लेकर या फिर पीछे बैक लेकर यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि मोहतरमा ने तो आजू बाजू की स्कूटियों को हटा कर वहीं से अपनी गाड़ी को पीछे किया और मोड़ा। अरे वाह दीदी वाह। हाल ही में दोस्तों एशिया कप फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां पाकिस्तान हारा और श्रीलंका की टीम को जीत मिली। इसी बीच पाकिस्तान की एक समर्थक महिला का वीडियो इंटरनेट पर जोरों शोरों से वायरल हुआ, जिसमें मैडम कहने लगी कि ना तो इन्होंने फील्डिंग अच्छे से की और ना ही बल्लेबाजी में अपना जोर दिखाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पूरी रात बस सोए और सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अगर इन बातों को आप खुद सुनोगे तो आप भी मजा लोगे। फील्डिंग नहीं हुई या बैटिंग थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल ना बैटिंग ना फील्डिंग, आज तो हम ऐसा लगता था रात को सोए ही नहीं है, सत्यानाश करा के रख दिया। अब जरा साथियों इस फनी क्लिप को देखिए। यहाँ पर ये दोनों मियां बीवी कीचड़ में अपनी बाइक के साथ फंस गए। हालांकि इन्हें इस ट्रक के आ जाने से पहले कोई भी बचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मगर साथियों ट्रक को देखकर पीछे बैठी पत्नी ने तो फटाफट से उसमें छलांग लगा दी और कीचड़ को पार कर लिया, मगर बेचारा पति देव वहीं अपनी बाइक के साथ कीचड़ में फंसा रहा। भाई देखा ना जनाब, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। साथियों, गाय में फैल रहे लिंपी वायरस से आज कई गायें पीड़ा का सामना कर रही है। इसी का कुछ हल निकालने के लिए हाल ही में इस वायरस पर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत एक गाय को लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। इस मामले को देख फटाफट मीडिया भी वहां पर इकट्ठा हो गई। अभी विधायक जी ने कहा ही था कि राजस्थान में ये पूरा वायरस फैल चुका है और सरकार सो रही है, पर शायद इसके बाद इस गाय को पता चल गया कि भैया हम पर तो राजनीति हो रही है। और इस गाय ने यहाँ पर देखिए कैसे पीछा छुड़ाया और भाग गई। जैसे साथियों बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, वैसे ही बड़ी बड़ी शादियों में छोटे मोटे कांड तो होना आम बात है। अब जैसा कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिला, यहाँ पर दूल्हा मंडप में गुटखा खाकर पहुंच गया भाई, परंतु उसकी पत्नी ने तुरंत ही उस पर गुस्सा दिखाकर बेचारे का गुटखा थुकवा दिया। गुटखा चिल्ला के मंडप में सर गुटखा। पत्नी ने अभी से बेचारे की बोलती सही किया पत्नी ने, ऐसे गुटखा खाकर शादी में जाना अच्छी बात थोड़ी होती है। अब कुछ इसी प्रकार से साथियों सरकारी जॉब के जोर पर हो रही इस शादी को भी देख लीजिए। यहाँ पर दुल्हन के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं बल्कि परिवार वालों की मर्जी से हो रही है, इसलिए तो बेचारी दूल्हे के पास जाने से भी घबरा रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे का सच्चा प्यार होते तो फिर बात ही कुछ अलग होती ना। अब जरा इसी के साथ साथ आप इस कांड पर भी नजर मार लीजिए। यहाँ पर लड़के और लड़की पर स्प्रे करने का काम दूल्हे के दोस्तों ने किया होगा या फिर कुछ मोहल्लों के छपरी लड़कों ने यह काम किया होगा। बेचारों को तो एक दूसरे का मुंह तक दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आजकल स्कूल में पढ़ाई कम और मौज मस्ती भैया कुछ ज्यादा ही हो रही है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण ये वीडियो है, जिसे देखकर अगर आप भी जॉब करते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो स्कूल जाने का मन करेगा फिर से।
क्योंकि जहां ऐसी हरकतें पूरा दिन होती है और मजे में पूरा दिन निकल जाता है तो कौन बंदा वहां पर नहीं जाना चाहेगा भैया। अब ऐसा ही कुछ साथियों हमें इस वीडियो में भी देखने को मिला जो कि हाल ही में जोरों शोरों से वायरल हो रही है। इसमें पढ़ाई होती तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही बल्कि क्लास में प्रैक्टिकल चल रहे हैं। जी हाँ, वहाँ भी डांस के, जिसमें मास्क लगाकर कमर पर चुनरी बांधकर और गले में आई कार्ड पहने इस लड़की ने चिकनी चमेली गाने पर ऐसे ठुमके लगाया कि सभी बैक बेंचर क्लास के पीछे बैठकर झूम उठे। भैया इन्होंने ऐसा हल्ला मचाया कि प्रिंसिपल तक हिल गया। आप खुद ही वीडियो को देख लीजिए। साथियों हरियाणा के रोहतक शहर से बड़ी ही अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहाँ पर अधिकारियों ने दूलीचंद नामक एक 102 वर्षीय बुजुर्ग का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया और उन्हें भैया मरा हुआ घोषित कर दिया, जिसके चलते उनकी बुढ़ापे की पेंशन भी रुक गई। जिसके बाद दूलीचंद जी ने अपने आप को जिंदा बताने और कर्मचारियों को करारा जवाब देने के लिए एक दूल्हे की तरह नोटों की माला पहनकर रथ में किसी दूल्हे की तरह बैठकर अपनी बारात निकाली और राज्य सरकार से उनकी पेंशन फिर से शुरू कर जाने की मांग की और ये भी कहा कि थारा फूफा अभी जिंदा है भैया। अगर देखिए उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास अगर पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है तो हमें जिंदा को मरा हुआ घोषित तो ना करें। अब इसी लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों जब ये अपने किसी खास से अपने बर्थडे गिफ्ट मिलने के बाद उसे खोलने जा रही थी, मगर जब मैडम ने गिफ्ट को खोला तो अंदर से एक जिंदा मेंढक बाहर आया, जिसके चलते मोहतरमा की ऐसी चीख निकले कि पूरे मोहल्ले को सुनाई दी। दोस्तों आजकल कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है ना, इसलिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। यह आपको इस वीडियो क्लिप में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दूल्हे के साथ बैठे ये भाई साहब उनके नोटों के हार में से धीरे धीरे कर कुछ पैसे उतार रहे थे और देखते देखते उन्हें आधा नोटों का हार खाली कर दिया। अब दोस्तों ये लड़का इस मशीन पर अपनी किक स्पीड टेस्ट करना चाहता है, मगर तभी साइड से एक शरारती बच्चे ने आकर उसके अरमानों पर पानी फेंक दिया। भैया अब जरा मिलियन मोहतरमा से जिन्हें ना जाने क्या काम पड़ गया कि अपनी धुल रही गाड़ी के पास चली गई और फिर इसके चलते मोहतरमा खुद भी धुल गई और वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया। दोस्तों इन मोहतरमा की तरह आज इन भैया की किस्मत भी खराब थी। भाई देखिए आज ये कह रहे थे कि छुरी से शैंपेन खोलने का तरीका बहुत शानदार है, मगर अब आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। चलो जी शैंपेन के पैसे तो हो गए बर्बाद, ये तो मान लेते हैं, लेकिन ऊपर जो शीशा लगा है वो भी टूट गया। दोस्तों आजकल टाइट पैंट पहनने का जमाना जा चुका है, मगर इन भाई साहब ने अभी भी अपनी वही घिसी पेटी टाइट पैंट को पहन रखा है और ऊपर से स्टंट करने का इन्होंने मन बना लिया, लेकिन भाई साहब का वहीं पर तमाशा बन गया। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्किनी या टाइट पैंट है तो उसे फेंक दीजिए, खुली खुली पैंट पहनो यार। कहीं पर भी कुछ भी खाना खाने से पहले साथियों स्नैपचैट पर स्टोरी डालना आजकल कंपलसरी यानी कि अनिवार्य हो चुका है, मगर इन मैडम जी के अरमानों पर पानी तब फिर गया जब इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम की फोटो खींचना चाहा। मोहतरमा फिर भी फोटो खींचने में तो कामयाब रही, भले ही उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई। कोई बात नहीं स्टोरी तो डाल दो मैडम, पेट का क्या है, वो तो पानी से भी भर जाएगा ना। अभी इस मंद बुद्धि बंदे से मिले जो कि देखिए कैसे इस नए बने रोड के बीच में फंसा हुआ है। हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि ये कैसे अपनी बाइक को बिना रुके यहाँ तक घसीट कर लाया, जिसके चलते भाई साहब ने अपना टाइम तो वेस्ट किया और साथ में मजदूर जो कि काम कर रहे थे उनका काम और बढ़ा दिया। भाई और कुछ ऐसा ही हमें इस वीडियो क्लिप में भी देखने को मिला। यहाँ पर टूटने वाला रोड नहीं बल्कि एक प्लेट थी। जी हाँ, और फोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे शेफ भैया ही थे। देखिए जब भी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है हमारे पैदल चल रहे भाइयों को। जी हाँ, और आप हमारा दुख इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और यही दुख हमें तब होता है जब आप वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। यार आजकल बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।